सिवान में महिला चोर को दुकानदार ने रंगे हाथ पकड़ लिया, बंधक बनाकर जमकर किया पिटाई। पहले भी कर चुकी थी महिला चोरी। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। बिहार के सिवान में चोरी करते हुए महिला चोर को लोगों ने पकड़ लिया, बंधक बनाकर पिटाई भी कर दी। बता दें कि बिहार के सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्रीनगर सुदर्शन चौक पर स्थित एक ज्वेलरी दुकान में बुधवार की सुबह एक महिला को चोरी के आरोप में दुकानदारों ने बंधक बनाकर उसकी पिटाई कर दी। घटना के बाद मामले की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस मौके पर पहुंच महिला को अपने कब्जे में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने लेकर चली गई है। हालांकि दुकानदार और स्थानीय लोगों द्वारा बार बार पूछे जाने के बावजूद भी महिला अपनी पहचान नहीं बता पाई है। लोगों ने महिला चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिससे पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। सभी लोग देखने के लिए पहुंचे, काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्रीनगर सुदर्शन चौक पर स्थित माँ तारिणी ज्वेलर्स में एक महिला खरीदारी करने पहुंची थी। इसी दौरान महिला चोरी करने लगी। ज्वेलरी दुकानदार श्रवण कुमार ने महिला पर आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले भी यह महिला उसके दुकान से करीब 14,000 रुपए की गहने की चोरी कर चुकी है। आज फिर चोरी कर रही थी, तभी उसने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। महिला चोर का मनोबल तो देखिए, दुकान में चोरी कर लिया, उसी दुकान में फिर से हाथ साफ करने के लिए पहुंच गई, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया। शहर में लगातार चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं। आए दिन किसी न किसी दुकान में चोरी की घटनाएं सामने आती रहती है। महिला चोरी कर रही थी, तभी दुकानदार ने शोर मचाना शुरू किया। शोर मचाते ही महिला भागने लगी। दुकानदार के शोर मचाने पर आसपास के लोग उसे दौड़ा लिए और कुछ दूर जाते ही पकड़ लिया और उसे बंधक बनाकर थोड़ी बहुत पिटाई भी किया। बाजार वासियों ने दुकान में बैठे उसके साथी को पकड़ लिया। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दिया। बता दें कि महिला को पकड़ने के बाद दुकानदार और आसपास के कुछ महिलाओं ने उसकी पिटाई कर दी और उसे बंधक बना लिया। घटना के संबंध में मौके पर पहुंचे मुफस्सिल थाने के एक पुलिसकर्मी किशोर प्रसाद ने बताया कि महिला ज्वेलरी दुकान में चोरी करने के लिए पहुंची थी। उन्होंने बताया कि महिला ने अपनी चोरी करने का आरोप भी स्वीकारा है, उसे थाने ले जाकर पूछताछ करेंगे। बता दें कि इधर चोरी के आरोप में महिला चोर को पकड़े जाने के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। भारी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और सभी महिला की तरफ देखते रहे। कई लोगों ने तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। तो आपको बता दें कि महिला चोरी कर रही थी कि दुकानदार की नजर उस महिला पर पड़ी। शोर मचाया तो दुकान के बाहर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।